जरूरत थी अपना इतना बड़ा मुंह खोलने की? अब देखा गोपी की क्या हालत हो गई। अनिश को पर के पर गोपी यहाँ आ जाएगी पर इतना बड़ा कांड हो जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा तूफान मचाने की क्या जरूरत है। एम बोल के गए था कि शाम को आ जाएगा, अब रात हो गई, नहीं आया तो फंस गया होगा कहीं, आ जाएगा। मम्मी इसलिए परेशानी है क्योंकि क्योंकि जीजू फोन भी नहीं उठा रहे। किसी को कुछ पता नहीं है कि जीजू है कहाँ, उसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। और तो यमन पुलिस वालों को भी लेके आए थे पूरी पूछताछ के लिए, फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मम्मी इतना सब कुछ हो रहा है तो घर में सबको टेंशन तो होगी ही ना। मुझे क्या कुछ नहीं होता, मामला बहुत गंभीर है। खैर अब जो भी हो आप अपना मुंह बंद रखो और आप ये बेसिर पैर की बातें बंद करो। अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम बस दिखावा करो कि आपको फिक्र है। जी जी पटेल भाई, हाँ भूंज तो गए थे पर वहां से लौट आए, मतलब अब तक तो लौट ही आए होंगे ना। हाँ ठीक है, जैसा कुछ पता चले तो प्लीज बताइएगा। इंस्पेक्टर पटेल काफी कोशिश कर रहे हैं, शायद बहुत जल्द पता चल जाएगा कुछ। पापा जी आप बेफिक्र रहिए, अहम भाई को कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए। अब मैं क्या सोच रहा था कि अगर हम कोई प्राइवेट डिटेक्टिव कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, एक और जासूस मिल जाएगा तो काम आसान हो सकता है। पापा आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ। तो चलिए हम फटाफट चल के उनसे मिल लेते हैं। ठीक है मैं पैसे लेकर आता हूँ। ठाकुर जी कह रहे कि मैं दिखकर जल्दी से घर आ जाऊँ। सब ठीक हो जाएगा। जिगर जी वो मैंने अभी भी आरती की है तो उसका प्रसाद। तुमने बहुत अच्छा किया राशि, आज का दिन हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत भारी हो गया। हेम जी जो लापता हो गए और घर में सबको इतना टेंशन हो गया। मैं तो बस ठाकुर जी को थैंक यू कह रही थी कि अच्छा हुआ उस प्रोजेक्ट पे आप नहीं गए। ऐसे भी आपके पीछे तो मैं ही पड़ी थी ना, आपको पता है क्या होता, हेम जीजू की जगह आप होते और शायद। You've gone mad, राशि। पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? राशि तुम इतनी सेल्फिश हो कैसे सकती हो? सिर्फ अपने बारे में ही सोच जा रही हो। राशि वो मेरे भाई अहम भाई और तुम। जिगर जी मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं बस यही कह रही थी कि आप मुझे नहीं जानना कि तुम क्या सोच रही थी और क्या कह रही थी। भाई की सुरक्षा के लिए किया इसलिए कि मैं सुरक्षित हूं। Disgusting. प्रसाद लाओ लाओ, वो भूख लगी जी। क्या है मम्मी आपको प्रसाद की पड़ी है या अभी अभी मुझे डांट पड़ी? दिख रहा का माहौल ही ऐसा है तो जवाते छोड़। अब जिगर जी कल तक ठीक हो जाएंगे, चल हम चल के डिनर जमते हैं। चल मम्मी प्लीज, वैसे आप भी कुछ कम नहीं है। हाँ गोपी को कैसा लग रहा होगा? आपको गोपी को ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अब आप चलिए, अभी के अभी चलिए और उससे माफी मांगिए। चलिए छोड़ना, छोड़ नहीं प्लीज चलिए। पता करता तो हूँ घर बार होते एक सारू हो, इस पार्टी ने तो मेरी जान ही निकाल दी। ओके फाइन जो भी है चलिए चलो। जी आ गए। अहम बस आता ही होगा, संभालो अपने आप को। गोपी दिखरा शांत हैया, अपने आप को इतना त्रास मत दे दिखरा। मैंने आप दोनों को यहां आने से मना किया था ना, फिर आप यहां क्यों आई?
विवान जी माफ कर जो, मने मुझे सच में खबर नहीं थी कि गोपी गोपी दिकरा गोपी दिकरा तू तुम्हारी दिकरी सर की चेन है अपनी मामी को माफ नहीं करेगी। जो बोलो दिकरा, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं कहा, बस खबर ही मेरे मुंह से निकल गया। तू चिंता मत कर, जवाई जी मिल जाएंगे। मतलब आ जाएंगे। बस तू रड़वानू बंद कर, चुप थे जा। जी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, ऐसे मौकों पर तो मन में बुरे बुरे विचार ही आते हैं। राशि राशि तो नहीं अच्छे, वो चुन्नू। हाँ चुन्नू। अरे वही जो अपनी वर्षगांठ के दिवस लापता हो गया था। किडनैप हुआ था, फिर दूसरे दिवस नदी किनारे उसकी लाश मिली, वो मर। बस उर्मिला बहन, बस बस कीजिए। नहीं नहीं विवान जी, मैंने कहा ना बस। देख नहीं रही है आप मेरी गोपी वो की स्थिति? ऐसी अवस्था में आप इतनी कठोर बातें कैसे कह सकती हैं? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ मत आइए। क्यों आई आप यहाँ? ताकि आपको यहाँ कोई चटपटी खबरें मिल सके? ना विवान जी, मैं तो बस इसका ध्यान हटाने की कोशिश कर रही थी। उल्टा कर रही हैं आप स्थिति को और बिगाड़ रही है, और ज्यादा तनाव पैदा कर रही हैं आप। हाँ विवान जी, मैं तो बस उर्मिला बहन बस, कुछ नहीं सुनना है मुझे। किसी को भी मेरे बेटे की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा बेटा सुरक्षित है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कृष्ण भगवान पर, मेरे बेटे की वो रक्षा करेंगे। गोपी दिकरा, तू चुप हो जाना बेटा, मत रोना। हाँ दिकरा, बस रड़वानू बंद कर रड़वानू। मैं तो बस उदाहरण दे रही थी कि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। ओ, अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही है। आप अभी भी यहाँ मेरे घर में क्यों रुकी हुई है? इसलिए ताकि आप कोई तमाशा कर सके? ना वेवान जी, तमे मारी बात तो सांभलो। बस मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ उर्मिला बेन, आगे एक शब्द भी नहीं। सब समझती हूँ मैं, आप तो हमारे परिवार की हितैषी है ही नहीं। आप तो बस इसी ताक में बैठी रहती है कि हमारे परिवार में कोई अनहोनी हो और आपको और तुम्हें कुछ बोलने का मौका मिल जाए। जवा दे दे, अब तू क्या गलत कहा मैंने मोटा भाभी? जले पर नमक छिड़कना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, आनंद की प्राप्ति होती है इन्हें। चुप, एकदम चुप। पर माँ जी, और तुम भी चुप हो जाओ गोपी, तुमने बिल्कुल सही कहा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने अहम से कहा था गोपी वो की ऐसी अवस्था में तुम्हें गोपी वो के पास रहना चाहिए, तुम इस काम को हाथ में ना लो। और मेरा बेटा अहम तो राजी भी हो गया, मेरी बात मानी, लेकिन तुमने गोपी वो क्यों जिद की? उसके जाने पर क्यों दबाव डाला? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई कि गोंद फाइल पे गिर गया और उसे उस फाइल के लिए जाना पड़ा? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरा बेटा 6 घंटे पहले इस घर में होना चाहिए था, आ जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मेरा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। खिलाफ के जल इसके साथ रहना, मैं अभी आई। कोकिला